Good morning, everyone. Welcome to Let's Crack SSC and Railway Exams at An Academy. Okay. A very good morning to everyone again. And countdown has begun. 14th April के लिए जब कोरोना के ऊपर हमारी जीत हो चुकी होगी, हम कोरोना को पीछे छोड़ चुके होंगे और हम अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे होंगे. ठीक है, हमारी तरफ से, टीचर्स की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग. ओके, दैट्स मी आपके पास, आपके लिए, जो आपकी मदद करना चाहते हैं. ओप्स, चलो ठीक है, ये अभी जोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं है. यप, फाइन, दैट्स मी. फाइन, गुड मॉर्निंग अगेन. आगे बढ़ते हैं. मेरे बारे में 10 साल से ऊपर हो गए हैं मेरे को पढ़ाते हुए. ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आई हैव बीन टीचिंग. आई हैव बीन टीचिंग फॉर पीपल लाइक फॉर कैंपस, फॉर इंस्टीट्यूट्स लाइक केरी कैंपस, आईएमएस, कैट तक मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है, so I have been at different levels, I have been teaching people at different levels. ठीक है, 2 लाख से भी ज़्यादा मेरे पास लर्नर्स हैं और उनमें से कई लोग प्लेस्ड हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं. I am open to everyone who is present out there and just like that I am present for you people as well. ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स उठा सकते हैं, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन गिव मी अ कॉल, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट. ठीक है, द नेक्स्ट वन, आज की जो पढ़ाई है, जैसे मैंने बताया था कि सुबह वाली हमारी जो क्लास होती है वो हमारी होती है वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस की. ठीक है, नेक्स्ट, टू जॉइन अन अकेडमी यू हैव टू कम अक्रॉस एंड you have to install the Unacademy learning app. ठीक है, जिसके अंदर to find me you have to get into SSC, right? So once you are in SSC, this is one thing where you can get live classes. क्लासेस बहुत ज़्यादा structured होंगी, कौन सा time, कौन सी चीज़ कब पढ़नी है, कैसे करना है, हर चीज़ दिया होगा, right? और यू कैन ऑल्सो बी टॉट, आपको जिससे पढ़ना है सारे के सारे टीचर्स आपके सामने हैं, आप जिनसे पढ़ना चाहते हो आप उनसे पढ़ सकते हैं, राइट. नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप है. इस ऐप के अंदर आपके पास क्या होगा, आप हमारे साथ चैट कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब अस, यू कैन गो अक्रॉस एंड स्टडी फ्रॉम द टीचर्स यू लाइक. टेस्ट अलग अलग आपके पास रहेंगे हर हफ्ते के, हर वीक के, हर एवरीथिंग. ठीक है, रोज का टेस्ट भी रहेगा और वीकली टेस्ट भी रहेगा, जिससे हमें पता लगे, आपको मेरे से भी ज़्यादा आपको पता लगे कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे बैठते हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, टू सब्सक्राइब अस यू हैव टू कम अक्रॉस विद दिस थॉट प्रोसेस. अगर आप 12 महीने के लिए कोर्स करते हैं तो फिर दिस इज़ फॉर 6,000 रुपीज़. 6,000 के जगह पर आपको सिर्फ पे करना है 5,400 रुपीज़ एज सून एज यू what you use the code live sg livesg, which is a complete in completely it is in capitals. theek hai, the next thing is again, agar aap use 24 mahine ke liye karna chahte hain to fir amount aapka change ho jata hai and you have to be again livesg. theek hai, right, next let's start with today's work, synonyms. ठीक है, हम synonyms की पढ़ाई शुरू करते हैं. synonyms का मतलब ही होता है क्या, there are two options, या तो हम कह रहे हैं same या फिर हम कह रहे हैं similar. तो याद रखना, हम यहां पर बात करना चाहेंगे किसका, same का नहीं, आपका आंसर होगा सिमिलर. ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं. सिमिलर का मतलब होता है द वर्ड इज नॉट नेसेसरली हैविंग द सेम एग्जैक्ट मीनिंग. एग्जैक्ट मीनिंग शायद नहीं है,
कहीं और पे भी यूज़ होगा तो फिर वो शायद उसकी जगह पे हटा सकता है, उसको हटा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका मीनिंग हमेशा सेम हो. तो इसलिए हम यहाँ पर सिनोनिम्स की जगह पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इज द नियरेस्ट वर्ड, सबसे करीबी कौन सा वर्ड है, ये भी हो सकता है. ठीक है ना, अब आ जाते हैं. What is the word for us? The first word is innuendo. ठीक है, innuendo. Options दे रखे हैं, inquiry, indirect reference, innovation and inorganic. ठीक है, question करने की कोशिश करिए. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब हमारे को ये वर्ड ही नहीं पता. ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना जो हमारे को नहीं पता, तो भाई जो वर्ड ही नहीं पता तो हम आगे उसको हिट कैसे करें, उसका आंसर कैसे दें, राइट? तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, आगे चलिए. कैसे करें ऐसे टाइम पे क्वेश्चन, तो मैं आपकी मदद करता हूँ. मैं हल्का सा यहाँ पे सबके साथ कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ. ठीक है, इनवेंडो जो होता है it always talks about something, some kind of hint. ठीक है, innuendo का मतलब होता है hint. ठीक है, inquiry का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें query आ ही रहा है, it means किसी को question करना. किसी को question करना या क्वेरी करना. ठीक है, इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, हम किसी की बात करना चाहते हैं लेकिन हम डायरेक्टली बात नहीं करते उससे. ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्यूजन. ठीक है, एल्यूजन, जब हम डायरेक्टली किसी के बारे में बात नहीं करते, हम किसी के मतलब हल्का सा उसके बारे में बता देते हैं लेकिन डायरेक्टली बात नहीं करते. ठीक है, बंदा अपने आप सोचता है कि हाँ क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रहा. ठीक है, सो इट कैन बी टॉकिंग अबाउट दैट वे. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब क्या है, इनोवेशन का मतलब है समथिंग विच इज लाइक अ काइंड ऑफ चेंज. अगर कोई बंदा चेंज ला रहा है तो वो इनोवेट कर रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ. तो इसीलिए क्योंकि ये चेंज ला रहा है और ये अभी तक नहीं हुआ, तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज समथिंग विच इज रिवोल्यूशनरी. है ना, रेवोल्यूशन या. आई होप आप अपना रजिस्टर साथ में रखे हैं, वो रजिस्टर में ये सारा लिखते रहिएगा अपने पास. ठीक है, लास्ट वर्ड है इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, समथिंग विच इज डज नॉट हैव लाइफ. पहली चीज तो यही है, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात हुई कि समथिंग विच इज लाइफलेस बट जरूरी नहीं है आज के डेट में अब हम इसको लाइफलेस बोलें, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बहुत ही ज्यादा मीनिंग में चेंज आ गया. सो दिस वॉज समथिंग जो कि बहुत साल पहले या बहुत टाइम पहले इसको यूज कर सकते थे, समथिंग विच वॉज इनऑर्गेनिक वॉज लाइफलेस. ठीक है, बट नाउ इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, और इसीलिए इनऑर्गेनिक का एक और मीनिंग हम ले लेते हैं, विच इज एनीथिंग विच इज नॉट नेचुरल. ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरल नहीं है कैन बी कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक, राइट? तो इसीलिए इन सब का थॉट प्रोसेस ऐसे चलेगा. ठीक है, अब ये सारे वर्ड दे दिए, आप बताइए आपका आंसर क्या निकलता है फिर इस हिसाब से. इनुएंडो क्या हो सकता है इस हिसाब से, चलिए आंसर दीजिए सर. ओके, द बेस्ट ऑप्शन दैट कम्स आउट हियर विच हैज टू बी द आंसर इज इनुएंडो. क्या कर रहा था, हिंट दे रहा था. हिंट देने का मतलब क्या है, जब मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देता लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ और दूसरे लोग उसके हिसाब से उसका आंसर दे देते हैं. ठीक है, और इसीलिए इनवेंडो का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी
इनडायरेक्ट रेफरेंस. ठीक है, ब्रिज किशोर जी आपका आंसर गलत है, इंक्वायरी नहीं हो सकता ना. देखो इंक्वायरी कहता है क्वेश्चन करना, पूछना. हिंट देना का मतलब क्वेश्चन करना नहीं है, हिंट देने का मतलब है किसी आंसर की तरफ इशारा करना. ठीक है ना भाई, तेरे को पता है एक ऐसा बंदा है जिसने ये किया है. ठीक है, हमने मतलब बंदे का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन हमने एक हिंट दे दिया, इशारा कर दिया. ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, गलती हुई है, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अपने पास ये वर्ड्स लिख लो. ठीक है ना, ये वर्ड्स अपने पास लिख लो जिससे कि आपको याद रहे. ये सारे क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपके पेपरों में आ चुके हैं और या फिर आ रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एज हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स. ठीक है, तो अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करिए, क्योंकि मैं रोज सुबह 9:30 बजे ये वाले वर्ड्स लेकर आऊँगा और आपको अपने पास लिखने हैं. ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं. हाँ जी, इसको दूसरा वर्ड क्या है, द वर्ड इज, इसका एक और वर्ड सीख लो. देखो यहाँ पे दे ही रखा है, जब मैंने लिखा है तो लिख लो. इनवेंडो का मतलब हुआ इनडायरेक्ट रेफरेंस और उसका दूसरा मतलब है एल्यूजन. ठीक है, एल्यूजन, ये दोनों वर्ड इनवेंडो और एल्यूजन, ये दोनों ही आपके पेपरों में बहुत ज़्यादा आए हैं. ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स आपने ले लिए होंगे. जिन्होंने लिखने का टाइम नहीं मिला, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, मैं 2 सेकंड रुक रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, ओके, आगे जा रहा हूँ मैं. या शेयर कर दीजिए ज़रा, थोड़े से और बच्चे बढ़ा दीजिए अगर अच्छा लगे आपको तो. ठीक है, द वर्ड इज कनाड. ठीक है, कनाड, व्हाट डज इट मीन कनाड. हमारे पास ऑप्शन दे रखा है स्टोरी, ह्यूमिड, प्रिजन एंड र्यूमर. ठीक है, अब इसके हिसाब से हम जो कर रहे हैं उस हिसाब से करते हैं. कनाड लिखा हुआ है, कनाड को कैसे क्या करें. ठीक है, तो मैं फिर से हल्का फुल्का आंसर दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप करेंगे. ठीक है, थोड़ा ध्यान देना. हाँ, द वर्ड इज गिवन एज अनफाउंडेड स्टोरी स्लैश, पहला है अनफाउंडेड स्टोरी. एक और इसका मीनिंग बनता है जिसका मतलब है हियर से. ठीक है, हियर से, एच ई ए आर, हियर से. स्टोरी का मतलब तो स्टोरी होता है, कोई भी स्टोरी सुना लो. ठीक है ना, अच्छा अगला वर्ड क्या है, ह्यूमिड. ह्यूमिड का मतलब पता ही है, समथिंग विच इज मॉइस्ट, जिस चीज में मॉइस्चर है उसको हम ह्यूमिड कह सकते हैं. ठीक है ना, वेदर हो सकता है, इवन खाना भी हो सकता है. ठीक है ना, मैंने अगर मॉइस्ट केक बनाया है इसका मतलब कैसा होगा, वो थोड़ा सा गीला गीला सा होगा, चिपचिपा सा ज़्यादा होगा. ठीक है ना, अच्छा प्रिजन के बारे में पता ही है. ठीक है, र्यूमर का मतलब आपको पता ही है, र्यूमर क्या होता है, र्यूमर इज़ समथिंग जहाँ पे मैं किसी को कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि हुई नहीं है, बस मैंने सुना दिया. ठीक है, चल रहा है सार, चारों तरफ ये बात चल रही है. ठीक है, आपका आंसर. चलो जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबको पहले बता देता हूँ, द क्लासेज हैव टू बी इंटरैक्टिव. आप अपने आंसर्स दीजिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें. एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहेगा. ओके, ब्रिज किशोर जी ने आपकी बार आंसर दिया है और आपका आंसर बिल्कुल सही है. ठीक है, कनाड जो होता है दैट मीन्स र्यूमर. ठीक है, क्यों, अब देखो क्या है, ये क्या कह रहा है, स्टोरी जब मैंने बोला तो स्टोरी का मतलब ही यही है कि भाई ये कहानी है, ये स्टोरी रियल भी हो सकती है, अनरियल भी हो सकती है ना. लेकिन कनाड का मतलब क्या हुआ, अनफाउंडेड. अनफाउंडेड स्टोरी मतलब एक ऐसी स्टोरी जो कि आज तक हुई नहीं है, कहीं मिलेगी नहीं, ये तो बस हमने बना ली है. दूसरी चीज़ कनाड का मतलब क्या है, हियर से. हियर से का मतलब क्या हुआ, हियर से का मतलब हुआ कहीं से सुना है, सुनी सुनाई बात कहनी. जब मैंने सुनी सुनाई बात किसी को कहा तो वो कैसा बन गया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ र्यूमर, क्योंकि वो सच तो है नहीं, उसका कोई क्या नहीं है, एविडेंस नहीं है, है ना. एंड दैट इज़ वाई र्यूमर इज़ द राइट आंसर. गुड ब्रिज किशोर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं.
किसी ने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, दो सेकंड ले रहा हूँ। राइट, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द वर्ड? बैम्बूजल। बैम्बूजल, बिल्कुल ब्रिज किशोर बाबू, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। प्लीज सारे के सारे आइए, मुझे पता है सुबह सुबह उठे हो, आधे ज्यादा को ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, बट आई वुड लाइक कि आप उठें और आंसर दें। और प्लीज इसको शेयर करिए और भी ज्यादा लोग लाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आते हैं उतना ज्यादा मजा आता है, उतने ज्यादा हम बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। राइट, ठीक है, ओके। बैम्बूजल, व्हाट इज द वर्ड? बैम्बूजल, क्या मतलब होता है बैम्बूजल का? बैम्बूजल का मतलब होता है ट्रिक, किसी को हमने ट्रिक किया, ठीक है ना। अब हमारे पास वर्ड दे रखे हैं म्यूजिकल, मिस्टिफाई, ठीक है। मिस्टिफाई का मतलब क्या है? मिस्टिफाई का मतलब है, म्यूजिकल का मतलब तो पता है, एनीथिंग विच इज मेलोडियस, ठीक है, या अच्छा ठीक है, वो मेलोडियस तो हो ही गया, ठीक है ना। मिस्टिफाई का दूसरा मतलब क्या हो सकता है? मिस्टिफाई का मतलब हो सकता है पजल, ठीक है। थ्रैश का मतलब क्या हो सकता है? ओहो, थ्रैश का मतलब होता है बीट, किसी की पिटाई करना, ठीक है ना, बीट, हिट, ठीक है। रिलिंक्विश करने का मतलब होता है टू लीव समथिंग, ठीक है ना। रिलिंक्विश कर दिया मतलब आपने छोड़ दिया, ठीक है। टू लीव, टू गिव अप, एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपरों में भी आता है, एबडी केट, ठीक है ना, एबडिकेट। अब इसको देखकर बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। बैम्बूजल का मतलब है ट्रिक, म्यूजिकल का मतलब है मेलोडियस, मिस्टिफाई का मतलब है पजल, फिर आता है थ्रैश, फिर आता है रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब है टू लीव, गिव अप, एबडिकेट। आंसर, आंसर बताओ जल्दी। ओके, ठीक है, हमारी क्लास में एक ही बच्चा है जो अभी जागा हुआ है, ठीक है, बाकी सब लोग आधे अधूरे बैठे हुए हैं, ठीक है। प्लीज सर कोशिश करो, आपको तो मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, आप आंसर्स दे सकते हो। ब्रिज किशोर ने आंसर दे दिया है, ब्रिज किशोर ने आंसर दिया है बी, एंड दैट इज अगेन द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ट्रिक करना, जब मैं किसी को ट्रिक करूंगा इसका मतलब मैं उसको क्या कर दूंगा। उत्कर्ष भाई भी हैं, मैं भी हूं सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर, आप हो तो आंसर भी दो सर, आंसर देने का है, ठीक है, ऐसे नहीं बैठने का है, कुछ करने का है साथ में, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया? बैम्बूजल का मतलब होता है ट्रिक, और अगर मैं किसी को ट्रिक कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको पजल कर रहा हूँ, एंड दैट इज वाई द राइट आंसर इज मिस्टिफाई, ठीक है। राइट, जल्दी से इसका वो ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने आप अपने पास लिख लीजिए। आई विल गिव यू टू सेकेंड्स फिर से, एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नेक्स्ट द वर्ड इज मोरोस, ठीक है ना। मोरोस, मोरोस का मतलब होता है ओके, मोरोस का मतलब होता है समवन हु इज वेरी सैड, ठीक है, सैड स्टेट में है, और हम कह सकते हैं
बहुत ही ज्यादा सैड है, ग्लूमी ग्लूमी कहते हैं इसे, ठीक है ना, ग्लूमी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड हम्बल। हम्बल का मतलब क्या है? डाउन, टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही मतलब किसी के अगेंस्ट वो कुछ कहता नहीं है, ही इज नॉट एरोगेंट, ठीक है। हमेशा अपना प्राइड नहीं दिखाता, हाँ भाई मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब नहीं करता वो, ठीक है ना। इज वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है। मॉडेस्ट भी कहते हैं इसे। मॉर्सेल का मतलब होता है अ पीस, ठीक है ना, अ पीस, किसी चीज का टुकड़ा, ठीक है। जनरली ये किसके साथ यूज होता है? फूड के साथ यूज होता है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना ग्राई, छोटा सा वो चीज। ओके, संध्या मैम ने आंसर दे दिया है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अ पीस, ठीक है। अब बाइट, हम इसे बाइट भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। भाई अब तो खांसी भी हो रही है ना, मतलब अगर गलती से कुछ लेने भी जा रहा हूँ बाहर, अगर हल्की सी खांसी भी हो जाती है तो वाट लग जाती है, चारों तरफ से लोग आ जाते हैं कि भाई जाइए वापस। सलन, सलन का मतलब होता है समवन हु इज क्वाइट मूडी, मूडी बंदा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, लास्ट वर्ड है रिपग्नेंट, राइट। रिपग्नेंट का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंट, ठीक है। रिपग्नेंट का मतलब हुआ आपका जब हम सॉरी डिस्टेंट मैंने लिख दिया, द वर्ड इज डिस्गस्ट, डिस्गस्ट। अगर आप किसी चीज को डिस्गस्ट करते हो, मतलब आपके अंदर उसके लिए डिस्गस्ट भरा हुआ है, तो व्हाट इज दैट? लोथिंग, लोथिंग, ठीक है ना। हेट करना किसी चीज को, बहुत ज्यादा हेट करना, राइट। तो ये रहे हमारे सारे के सारे वर्ड्स। अब इसके हिसाब से संध्या मैम ने तो आंसर दे दिया है, बाकी सारे लोग जल्दी से आंसर दो, बताओ इसमें क्या होगा। ओके ओके, ब्रिज किशोर ध्यान दो। संध्या आपका आंसर आ गया है, आपको फिर से आंसर देने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, बाकी लोग जो सुते हुए आ गए हैं हमारे क्लास में, ठीक है, उन सबको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जाग जाओ मेरे भाइयों, ठीक है। वैसे जिस जिसको स्मोक करने की प्रॉब्लम है या जिस जिसको ड्रिंक करने की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए तो मतलब ये 21 दिन बहुत तगड़े वाले निकलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ मिल भी नहीं रहा, तो शायद आपके लिए रिहैब शुरू हो चुका है, और जब तक ये ख़त्म होगा आप अपने नशे से बाहर भी निकल चुके होंगे, ठीक है ना। नशा मुक्ति केंद्र, मतलब मुझे तो मेरा घर ऐसा लगता है कि ये नशा मुक्ति केंद्र हो गया, और हम यहाँ पे बस किसी तरह से निकाल रहे हैं। चलो अच्छा है इसमें भी, राइट। ओके, ब्रज किशोर आपका आंसर गलत है, ठीक है। अब ध्यान दो, सैड और ग्लूमी मतलब मूड खराब होना, है ना। सैड, मैं बहुत सैड हूँ यार, तो सैड हूँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा मूड खराब है, मूड के बारे में बात हो रही है ना। तो उसका डिस्गस्ट या हेटरेड के साथ तो कुछ लेना देना है नहीं, तो इसीलिए मोरॉस का जो बेटर वर्ड है या नियरेस्ट वर्ड है यहाँ पर, दैट इज सलन। जब मैं सलन होता हूँ तो उस टाइम पे मैं कैसा होता हूँ? मैं बड़ा मूडी सा हूँ और मैं सल्क करता हूँ, ठीक है ना। आपने कभी इनको देखा होगा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका बच्चे को लेकर गए, बच्चा दुकान के सामने जाकर जिद पकड़ गया कि मेरे को तो ये खिलौना चाहिए, आपने उसे खिलौना नहीं दिया तो वो कैसा हो गया? वो सल्क हो गया, सल्क करने लगा, मतलब शक्ल बनाने लगा, अब मैं नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? वो सैड हो गया, वो ग्लूमी हो गया, या फिर वो सलन हो गया।
वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, इसको भी वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. 1, 2 लेट्स गो. ठीक है, फिफ्थ निम्बल. एक टाइम पे तो ये निम्बल वर्ड इतना ही फेमस था अपने उसमें एसएससी वालों के लिए. पवन, हेलो सर. पवन सर हाय, कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ कहाँ घूमन फिराई हो रही है? सब घूम रहे हो? घूमने का तो टाइम ही खत्म हो गया भाई, घर पे पड़े रहने का है. हाँ ठीक है, निम्बल. सो व्हाट इज दिस निम्बल जो बात हो रही है? निम्बल में क्लैमरस, क्रैप, निपी, अर्बेन. नाउ दीज आर वेरी वेरी न्यू वर्ड्स. ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं. निम्बल की बात कर रहे हैं. व्हाट इज निम्बल? निम्बल इज कॉल्ड टू बी समवन हु इज अजाइल. ठीक है, अजाइल या एक्टिव. ठीक है, एक्टिव दिखाता कि बंदा फुर्ती से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है. ठीक है ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, पवन भाई ने भी आंसर दे दिया है, संध्या मैम ने भी आंसर दे दिया है, गुड. अजाइल का मतलब, अब देखो, पवन और संध्या और जिन्होंने भी आंसर दिया है, सबके सब ये याद रखो कि सिर्फ यहाँ पर ये दो वर्ड याद करने से नहीं होगा, इनका फर्क भी देखना पड़ेगा. ठीक है ना? एक तरफ एक्टिविटी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा चुस्त है. ठीक है ना? और अजाइल जो है वो बात कर रहा है स्किल्स की. ठीक है, स्किल्स मतलब उसके हाथों में जादू है, मतलब स्किलफुल है. तो ये भी याद रखना है, दोनों चीज़ें काम करता है. ठीक है, संध्या मैडम इंग्लिश इज टू गुड. यस सर, दैट इज़ वॉट आई फील. ब्रिज किशोर जी, आपका भी ऐसा ही चाहिए मेरे को. ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, चुपचाप पढ़ते रहो मस्ती में. ठीक है, सब हो जाएगा. क्लैमरस, क्लैमर, क्लैमर कभी भी लिखा हुआ है या क्लैमरस जो भी आए, तो इसके मतलब होता है नॉइस. ठीक है, अनप्लेजेंट नॉइस. ठीक है सर, थोड़ा स्पीड से नहीं कर पाऊंगा. पवन सर, आई एम ट्राइंग माई हार्ड. पंगा ये हो गया है कि मेरा जो पेन है ना, पेन टैब जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है. ठीक है, तो इसलिए मेरे को धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, वरना ये ओवरलैप कर जाएगा. आई एम सो सॉरी, मैंने ऑर्डर कर रखा है, फिर से नया पेन टैब आ जाएगा तो मैं उसको ठीक करवा दूंगा. ठीक है, ओके. स्क्रैप का मतलब क्या होता है? स्क्रैप कैसा होता है? स्क्रैप इज एनीथिंग विच इज, फिर से पीस की बात हो रही है. ठीक है, या फिर हम बात करते हैं किसी चीज के बिट की, छोटे छोटे पीसेस जैसे पड़े होते हैं ना. ठीक है, स्क्रैप डीलर्स हम कहते हैं. तो स्क्रैप डीलर्स, नहीं नहीं इट्स ओके पवन, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे को जल्दी कर लेना चाहिए, लेकिन एक एक करके हम क्वेश्चन भी अच्छे से समझे तो फिर थोड़ा टाइम अपने वोकैबुलरी के साथ रहोगे तो फिर वो वर्ड्स भी जल्दी याद हो जाते हैं. ठीक है, और ज़्यादा देर तक याद रहते हैं. फिर से एक और वर्ड ले लो स्क्रैप का. द वर्ड इज फ्रैगमेंट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ड निपी. निपी का मतलब होता है, बिल्कुल संध्या मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, स्क्रैप बुक भी होता है. अब ध्यान रखो, जब हम स्क्रैप बुक की बात करते हैं तो स्क्रैप बुक में कैसा होता है, छोटे छोटे पीसेज होते हैं, छोटे छोटा पार्ट होता है जिसमें हमें लिखना होता है ना, पार्ट, फ्रेगमेंट, वहाँ पे भी काम कर रहा है, इसलिए हम उसे कहते हैं स्क्रैप बुक. ठीक है, नेक्स्ट निपी. निपी का वर्ड का मतलब क्या हुआ? निपी का मतलब हुआ आपका समवन हु इज लाइवली, जिंदगी से भरा हुआ. अर्बेन, अर्बेन में अर्बन लिखा हुआ है, अर्बन का मतलब क्या हुआ? समथिंग टू डू विद द सिटी एंड ऑल दैट स्टफ. सिटी का जो बंदा है उसे हमेशा बोला जाता है, या अर्बेन उसको बोला जाता है, हु इज क्वाइट सोफिस्टिकेटेड. ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, सटल है, उसी हिसाब से वो रहता है. ठीक है, सोफिस्टिकेटेड. अब आंसर इसके हिसाब से क्या होगा? या हाँ, जिंदा दिल, बिल्कुल सही मैम. अच्छा, अब इनमें से अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ एक ही वर्ड इसके साथ बैठता है. हाँ, एक्टिव का
सोफिस्टिकेटेड के साथ, अनप्लेजेंट तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। स्क्रैप का मतलब पीस है, तो निम्बल का पीस के साथ भी कुछ नहीं है, तो फिर ये भी गया। अर्बेन के साथ हो सकता था, लेकिन निप्पी ने कहा लाइवली है, लाइवली बताता है कि वो एक्टिव है, राइट, तो इसीलिए हमारे पास आंसर आ गया निपी, ठीक है। तो निम्बल का यहाँ पे आंसर है निपी, राइट, ओके। जल्दी से इसका पिक ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1, 2, लेट्स गो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आ गया, वॉन्ट, VAUNT, वॉन्ट, ठीक है। वॉन्ट जब हम करते हैं, हिमांशु सर नमस्ते, कैसे हैं सर, आप कहां से आ गए सर, मतलब हिमांशु सर मतलब हमारे बीच में आज बहुत ही दिग्गज रीजनिंग के सर हिमांशु सर आकर बैठे हुए हैं, ठीक है, सब उनको गुड मॉर्निंग बोलिए। और सर कभी आप हमें फ़ोन भी कर लीजिए सर, एक बार बहुत बात भी कर लेते हैं हम, ठीक है। पवन सर ने आंसर दे दिया है, संध्या मैम ने भी आंसर दे दिया है, ब्रिज किशोर जी आप पीछे रह गए हो, जल्दी सोचो, कोई भी आंसर सोचो, ठीक है। वॉन्ट का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, ब्रैग करते हैं, ठीक है ना। बोस्ट करने का मतलब क्या होता है, बोस्ट और ब्रैग दोनों सेम होते हैं। डिज़ायर का मतलब आपको पता है, ठीक है। हिमांशु सर, अरे मैं आपका स्टूडेंट हूँ, अरे आप कौन से हिमांशु सर, हिमांशु हो सर, आप मेरे टीचर कब से हो सकते, मतलब आप मेरे स्टूडेंट कब से हो सकते हो सर, कैसी बातें करते हो आप भी, ठीक है। नेक्स्ट, इनएप्टीट्यूड, राइट, व्हाट इज द वर्ड इनएप्टीट्यूड, व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड एज अनस्किल्ड, अरे यार ये पेन टैप तो ना, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड का मतलब क्या हुआ, देखो ये एप्ट है ना, एप्ट, एप्ट का मतलब होता है एफिशिएंसी, और अगर इनएप्ट है तो फिर विदाउट एफिशिएंसी, इसका मतलब वो कैसा है, स्किलफुल नहीं है, अनस्किल्ड है, ठीक है। एंड येस ऑफ कोर्स, बाकी वर्ड्स तो आपको आते थे, आपको साफ दिख रहा है कि वॉन्ट का मतलब यहाँ पे फिर एक ही चीज़ बनता है, दैट इज बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या हुआ, नहीं ब्रिज, ब्रिज अपना आंसर सही करो, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा आपका क्या, इनएप्टीट्यूड नहीं होगा। ब्रैग का मतलब होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू, ठीक है ना, जो अपनी बड़की मारता है, अपने बारे में ही बहुत कुछ बोलता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रैग करना, ठीक है। एक और वर्ड इसका समझ लो, याद करने के लिए, दोनों वर्ड्स याद करने के लिए, द वर्ड इज शो, शो ऑफ, फ्लॉन्ट, वेरी गुड, वेरी गुड पवन, द वर्ड इज फ्लॉन्ट, ठीक है, दिखावटी, दिखाने वाला, अपने बारे में ज़्यादा ज़्यादा उठा बड़ा चढ़ा के बात करने वाला, तो ऐसे वाली चीज़ों को हम ब्रैग, शो ऑफ या फ्लॉन्ट कहते हैं। तो इसीलिए अनस्किल के साथ या स्किल के साथ इसका कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुड, द वर्ड इज विटुपरेशन, ठीक है, विटुपरेशन आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चनेबल, रेजिस्टेंस, एब्सर्डिटी, बिटर क्रिटिसिज्म। अगर विटुपरेशन का मतलब मैं आपको दे दूँ, that it is called as abuse, ठीक है, तो जल्दी से देखकर बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। vituperation, आंसर बताओ जल्दी से, संध्या मैम का आंसर आ गया है, मैंने विटुपरेशन का मतलब बोला है अब्यूज, ठीक है, सोचकर आंसर देना। ब्रिज किशोर ने भी आंसर दे दिया है, पवन भाई ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है, बट इनमें से सिर्फ पवन सर का आंसर सही है, द आंसर इज बिटर क्रिटिसिज्म, ठीक है। किसी को क्रिटिसाइज करना मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना मतलब मैं उसके बारे में अच्छी बात करता हूँ या बुरी बात करता हूँ, तो दिस इज नेगेटिव, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है टॉकिंग टॉकिंग नेगेटिव अबाउट समवन, किसी के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं,
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिटर, बिटर मतलब एकदम ही कड़वा, और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये और भी ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से अब्यूज़ हो गया, मतलब एकदम ऊँचे लेवल का, ठीक है, गाली गलौज पे उतर आए। तो इसलिए दिस एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड, मैंने कहा कि ये चीज़ बड़ा ही एब्सर्ड है, तो इसका मतलब मैं उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं हूँ, उल्टा मेरे लिए वो वर्ड जो है या जो भी बोला गया है दैट इज रिडिकुलस, वो चीज़ एकदम रिडिकुलस है, मैं उसे मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, एब्सर्डिटी का मतलब फुलिशनेस हो सकता है, रिडिकुलस हो सकता है, वियर्ड हो सकता है, ठीक है। एब्सर्ड मतलब एक ऐसी चीज़ जो होती नहीं है, ठीक है ना। किसी ने बोला यार मेरी ना एक्स गर्लफ्रेंड जिसकी डेथ हो गई थी वो ना आत्मा बन के मेरे पास आई, तो मैंने बोला यार एब्सर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हो जाएगा। हाँ, बेतुका, बिल्कुल सही पवन। रेजिस्टेंस आपको पता ही है, रेजिस्टेंस का मतलब है जब मैं किसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता हूँ, इसका मतलब ये क्या है, ऑपोजिशन। विशाल सर कैसे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑपोजिशन लिख देते हैं यहाँ पर, ऑपोजिशन। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होगा, क्वेश्चनेबल का मतलब क्वेश्चन करने के योग्य नहीं कह रहे हैं हम यहाँ पे कह रहे हैं जब हम किसी चीज़ के ऊपर डाउट करते हैं, ठीक है, डाउट करते हैं तब हम उसे कहते हैं क्वेश्चनेबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पासे, द वर्ड इज पासे, इट्स एक्चुअली अ फ्रेंच वर्ड जो कि इंग्लिश वालों ने अपने पास रख लिया है। कोई चीज़ अगर पासे हो गई है तो इसका मतलब वो आउट डेटेड हो गई है। अब चार ऑप्शन में से देखकर जल्दी से बताओ, पासे के हिसाब से, आउटडेटेड के हिसाब से आपका आंसर कौन सा बन सकता है सबसे करीबी। विशाल फ्रॉड, ध्यान से देखो सर, आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। पवन जी ने आंसर दे दिया, ब्रज किशोर ने आंसर दे दिया और संध्या ने भी आंसर दे दिया, एंड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। इट इज ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। आउटडेटेड का मतलब ये हुआ कि जिस डेट पे ये है वो डेट को हम पार कर आए हैं, बात समझ में आ गई। मतलब हम ऐसा कुछ कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये 18th सेंचुरी की है, ठीक है, और हम आज 21st सेंचुरी में बैठे हैं, और अगर हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं तो हम इसको क्या कर गए हैं, इसको हम पीछे छोड़ा है। अगर चीज़ आउटडेटेड है इसका मतलब हम जनरली इसको नहीं यूज़ करते आज की डेट में, और इसीलिए इसको कई बार ये भी बोला जाता है ऑब्सोलीट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, ऑब्सोलीट, ठीक है। नेक्स्ट, ल्यूक वॉर्म किसके लिए यूज़ होता है, ये जनरली टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, पानी को कितना गर्म किया गया है, ठीक है ना, और उस हिसाब से बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉड, बाकी तो आपको पता ही है, सो योर आंसर इज ओल्ड फैशन, वेरी गुड। ऑल्सो कॉल्ड एज, कुछ और कह सकते हैं इसको, हम इसको ये भी कहते हैं दैट इट इज कन्वेंशनल, ठीक है, जो पुराने वाले चलते हैं। वेरी गुड पवन भाई, पहले ही आंसर दे चुके थे, ऑब्सोल्यूट, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को ये चीज़, ठीक है। सी, दिस इज हाउ इट इज, अपने आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भर लो, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू रियली वांट, ठीक है ना। सपना पूरा करने आए हैं हम यहाँ पे, बस आगे चलते हैं। वेरी गुड विशाल, आपने भी आंसर सही दिया है। प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट बेसिकली किसको कहा जाता है, प्रोटैगनिस्ट किसी अगर मूवी की बात हो रही है तो ही इज बेसिकली द हीरो ऑफ द मूवी, ठीक है। आंसर बताओ, अरे विशाल सही आंसर देने के बाद मैसेज हटाने का क्या मतलब है, रखो यार, दूसरों को भी पता लगना चाहिए कि तुम्हें आता है ना, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट, अगर पिक्चर का हीरो है तो आंसर क्या है, संध्या मैम ने आंसर दे दिया है, विशाल सर ने भी आंसर दे दिया है,
बिल्कुल लीडर एकदम हीरो बोले एकदम ठीक है। तो इसके हिसाब से प्रोटैगनिस्ट का आंसर है लीडिंग कैरेक्टर, ठीक है, लीडिंग कैरेक्टर। अमित गौतम ने भी सही आंसर दे दिया है, ब्रिज किशोर ने भी आंसर सही दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विशाल, ठीक है आगे चलते हैं। प्रोटैगनिस्ट हो गया, अच्छा इसका ऑपोजिट बता दो भाई, प्रोटैगनिस्ट का ऑपोजिट बता दो कोई जल्दी से। सुरजीत भाई भी आंसर सही दे रहे हैं, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सुरजीत। नहीं, ओके प्रोटैगनिस्ट, वेरी गुड, विशाल भाई ने आंसर दे दिया है, द आंसर इज एंटैगनिस्ट, ठीक है। ठीक है एंटैगनिस्ट, ठीक है सबॉर्डिनेट शायद, ठीक है संध्या मैम चांस अच्छा है, सबॉर्डिनेट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबॉर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अंडर, ठीक है। हीरो के अंडर जो बंदा काम करता है वो उसका अगेंस्ट तो नहीं होगा, जरूरी नहीं है। एंटैगनिस्ट का मतलब होता है जो कि हीरो के अगेंस्ट है, ऑल्सो कॉल्ड एज विलन, समझ में आ गई, ठीक है। मिस्टर दत्ता हाय सर, हाय, ओके संध्या मैम को समझ में आ गया, ओके मैम ने लिख दिया है, आगे बढ़ते हैं। झास, ठीक है, व्हाट इज द वर्ड, द वर्ड इज रिटन एज डिस्पॉट, डिस्पॉट, ठीक है। डिस्पॉट का मतलब दूसरा मतलब है टायरेंट, टायरेंट, मतलब ये तो ऐसे वाला क्वेश्चन है जो कि आपके पेपरों में या आपने बहुत बार याद किया होगा, तो डेस्पॉट से आपका आंसर एकदम तुरंत आ जाना चाहिए। पवन भाई किसका आंसर दे रहे हो आप, ये आई थिंक सो आप पहले वाले का आंसर दे रहे हो, आप 10th का आंसर दो, ठीक है। संध्या मैम ने आंसर दे दिया है, विशाल सर, विशाल सर आपका आंसर ध्यान दो। अमित गौतम का भी आंसर आ गया है, ठीक है नेक्स्ट आंसर 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ अब पवन ने सही आंसर दे दिया है, नेक्स्ट ब्रिज किशोर ने भी आंसर सही दे दिया है, सुरजीत भाई ने आंसर दे देकर अपने आप को ही टिक मार दिया कि भाई यही आंसर है, कोई और आंसर मत दे देना सर, ठीक है सर हम यही रखेंगे, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। द आंसर इज क्रूअल रूलर, क्योंकि हम टायरेंट का मतलब बिल्कुल जानते हैं जो होता है तानाशाही, ठीक है ना, तानाशाह एक एक ऐसा राजा जो अपने आप को क्या समझता है, ही टेक्स हिमसेल्फ एज अ हिटलर काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना, तो वो जो बोलेगा वही होगा, ऐसे वाली चीज़, इसीलिए उसे हम कहते हैं डिस्पॉट, और इसीलिए वो है क्रूअल रूलर, ठीक है। लेकिन जाते जाते एक बार मेरे को ये बता दो, प्रगमेटिक वर्ड जो होता है वो क्या होता है, वॉट इज प्रगमेटिक, ठीक है, प्रगमेटिक का जो मतलब होता है दैट इज व्हाट इट बी अ पर्सन, आज क्या पहली क्लास है सर, सर पहले भी हमने क्लास ली है लेकिन आज से मैं सुबह लाइव आऊंगा, इससे पहले मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग देता था, अब मैं सुबह क्लासेस लेने आऊंगा, क्योंकि मैंने इसको भी उसमें चेंज कर दिया है, क्या कहते हैं क्विज में चेंज कर दिया है, तो वोकैबलरी के लिए, ठीक है ओके। व्यवहारिक, एमिकेबल, ओके सर हम पर्सन के लिए एमिकेबल नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है अमित जी, पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं AMIABLE, एमिएबल, ठीक है। प्रेग्मेटिक का बेसिक मतलब जो है वो एमिएबल नहीं है, ठीक है विशाल भाई किम जोन के बारे में गंदी गंदी जोक्स दे रहे हैं विशाल भाई, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है
टायरेंट है, बिल्कुल मैंने ये ले लिया, ये ले लूंगा, ठीक है, ओके. प्रैग्मेटिक का मतलब है आपका समवन हु इज क्वाइट रीजनेबल, ठीक है ना, लॉजिकल कह सकते हैं, लॉजिकल, ठीक है, या हम कह सकते हैं रैशनल, ठीक है ना, रैशनल, बहुत सोच समझ के वो करता है जो भी करता है, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करता, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट वुड बी कॉल्ड एज लॉजिकल और रैशनल, ठीक है. अब इसका जल्दी से बता दो लास्ट, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर कोई बंदा लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको क्या कहा जाता है, बिल्कुल विशाल जी, किम जॉन ऐसे ही करते हैं, ठीक है, हाँ संध्या बिल्कुल सही, रतन टाटा जैसे कोई अगर हैं लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट तो उनको क्या कहते हैं, सबको तो रतन टाटा बोल नहीं सकते, तो व्हाट कैन बी द अदर वर्ड फॉर इट, इट इज कॉल्ड एज लेबोरियस, नो सर, टी वाई सी डबल ओ एन, टाइकून, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, बिजनेस, अरे यहां से स्पेलिंग पूरी कर लेना, मेरा ये अटक गया है, हाँ दिग्गज, बिग फिश, ठीक है ना, तो इसीलिए बिजनेस टाइकून कहते हैं उसे, राइट. नहीं महेंद्र भाई, किसके लिए मेरे को रिप्लाई करना था आप बताओ, और ब्रिज किशोर भाई, स्किलफुल ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बंदे के पास पैसा बहुत है, बंदा उस पैसे को इस्तेमाल करता है और पैसे कमाता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए स्पेशली स्पेशली जो वर्ड होता है दैट इज़ योर टाइकून या मैग्नेट, ठीक है ना, अब बिजनेस मैग्नेट कह सकते हैं, ठीक है ना, राइट. महेंद्र भाई एक बार फिर से पूछ लीजिए क्या पूछना है आपने, तो मैं आपको बता दूंगा, ओके. सो दिस इज व्हाट इट इज गाइस, प्लीज आज के लिए ये 10 वर्ड्स, रोज सुबह मैं आपको ऐसे ही 10 वर्ड्स दूंगा, और अब हमारी क्लास रात को होगी 10:30 बजे, 10:30 बजे जो हमारी क्विज होगी वो होगी आपके किस पे, ग्रामर और बाकी सारी चीज़ों पे बेस्ड, ठीक है, तो 10:30 बजे रात को, नाइट, भूलने का नहीं है, ठीक है, और जितना ज़्यादा इसको लाइक कर सकते हैं लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, शेयर करिए, राइट, एंड दैट्स दैट, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग अहेड, ठीक है, एंड वील मीट यू एट नाइट, थैंक यू वेरी मच.